हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाल को लंबा करने और घना करने के लिए एक रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे मेथी दाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें मेथी दाना को लेना है। तो ये कम से कम हमें जैसे हम थोड़ा सा ले रहे हैं, ये कम का आप एक बड़ा चम्मच है और आप इसमें छोटे स्पून के हिसाब से नापें। तो अपने कम बाल हैं तो हम उसके हिसाब से ले रहे हैं। 1-2 चम्मच। अब जैसे आपको एक जने के हिसाब से बनाना है तो एक आपके पतले बाल हैं तो 2 चम्मच, और नहीं तो आप इसमें 4 चम्मच के लिए बना लीजिए। मैं 4 के लिए अभी नहीं बना रही क्योंकि ये छोटे बाल हैं मेरे, इसलिए मैंने 2 चम्मच ही लिया है। आप लंबे बालों के लिए 4 चम्मच ले लीजिए। अब इसके बाद आपको इसमें ऑनियन भी ऐड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अब ये हमने ऑनियन ले ली है। अब इसमें हमें आप इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मेथी को भी भिगो सकते हैं। पर मैं इसमें ऑनियन, ये प्याज होती है हमारे इसका बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। या तो आप इसमें अलग से आप प्याज का रस डाल लीजिए, इसको घिस कर कद्दूकस करके इसमें प्याज रस ले। लेकिन मैं क्या है कि दोनों चीज़ें भिगो कर मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, इसलिए मैंने इसके पहले छोटे छोटे पीस कर ली हैं। ये इस तरह से ये देखिए इसको काटना है। फिर इसको हमने जो मेथी दाना इसमें डाला है इसी में हमारी ये ऑनियन डाल देनी है। अब इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है क्योंकि मेथी हमारी फूल के डबल हो जाती है, इसलिए हम इतना कर लेंगे। इसमें पानी ऐड कर लिया। अब इसको आप या तो रात भर के लिए रख दीजिए, आप रात में भिगो के रख रहे हैं। अभी मैंने दिन में भिगोया है तो मैं इसको कम से कम अभी 3-4 घंटे के लिए रख दूंगी। फिर इसको मैं बंद कर रही हूँ। बंद करके मैं इसको अपनी किचन में रख दे रही हूँ। फिर ये जब भीग जाएगा 2-3 घंटे बाद या रात भर, तो इसके सारे जो प्याज के और जो मेथी का रस है वो इसमें आ जाएगा। अब जो इसका पानी होगा तो आप उसको अपने बालों में लगा सकते हैं, और बाकी जो इसका होगा उसको हम पीस कर मिक्सी में पीस कर उसमें हम अपने बालों के अंदर एक लेप पेस्ट की तरह लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको दोस्तों मैंने ये मेथी प्याज और इसका घोल पीस के रख लिया था। अब मैंने ये एलोवेरा की लीफ ली है। तो ये लीफ आपने घर पे मेरे प्लांट में उगा रखी है गमलों में, आप चाहे तो बाहर एलोवेरा घोल भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कैंची से इसको काट लिया था और स्पून की सहायता से इसका पूरा ऐसे निकाल लिया है। ये इस तरह देखिए मैंने निकाल के रख लिया है। अब इसको अच्छे से हमें एलोवेरा जेल इसमें पीस के रख लेना है, और फिर इसमें हमने जो मेथी का भिगोया था और प्याज का रस भिगोया था, अदरक का रस भिगोया था, इसमें हम थोड़ा एलोवेरा भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसे हम मिलाएंगे। ये इस तरह से हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, और अब इसमें हम थोड़ा सा, या तो आप पे लेवेंडर ऑयल हो तो यूज करें, नहीं तो इसमें आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसमें 1-2 ड्रॉप इसके अंदर हम ऑयल की डाल देंगे। अब ये इस तरह से ये आपका ये घोल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल मुलायम सा, और ऐसे ऐसे आप इसको बालों पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपके बाल इससे जल्दी घने, लंबे और काले होंगे, और झड़ना भी आपके बंद हो जाएंगे। आप ये पैक बना के अपने फ्रिज में रख लीजिए, हफ्ते में 2-3 बार जैसे आपका बनाया उससे ख़त्म कर लीजिए और लगाइए, तो इससे बाल का झड़ना वरना रुक जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना, कल मैं दूसरे वीडियो के साथ आती हूँ आपके साथ। आप मेरे चैनल देखते रहिए प्रीति गैलरी, और दूसरे चैनल भी हैं मेरे प्रीति न्यूज़, प्रीति मीडिया वगैरह, तो उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। नमस्कार, बाय बाय। देखिए फ्रेंड, मैंने ये पेस्ट बना के रख लिया है। ये कितना ही लिक्विड और अच्छा, मतलब स्मूथ सा बन गया है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है बालों में मैं आपको बता दूँ। देखिए हमने ये करा है अपने बालों में, इस तरह एक एक मांग करके इसको लगाना है।
जड़ से पूरे ऊपर से लेके नीचे तक का हमको लोशन में लगा देना है। जी हाँ, 4-8 से लगाना है और ऐसे आप एक एक पार्ट को अलग अलग करके इसमें अप्लाई करते जाना है। ये पूरे ये बालों को यहाँ से फिर हमने यहाँ लगा लिया। फिर इसको बाल को ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर यहाँ से लगाया है, इसके ऊपर पीछे लगाएंगे हम। पूरा इसका लेप कर देना है अच्छे से बाल। आप इसके ऊपर जब चाहें तो इस पर आप पॉलीथीन भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको उल्टे ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। ये कितने लगाने में अभी इतना सिल्की और स्मूथ है कि इसमें ये लग रहा है। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ पूरे अपनी जड़ से, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं उस तरह आप पूरे बालों में आपको इसको ये मेथी वाला लेप लगाना है। अब इसको लगा के आप 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद सादे पानी से आप इसको लगा दीजिए। तो आज वीडियो में इतना, कल मैं दूसरी वीडियो के साथ मिलती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।